दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो अब T20 मुकाबलों में नजर नहीं आएंगे। लेकिन अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, भारत की तरफ से एक और खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। नाम है रविंद्र जडेजा, जिन्होंने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है, ये भी अब T20 आईसीसी मुकाबलों में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। जब भी वर्ल्ड कप होते हैं तो कई खिलाड़ी संन्यास का ऐलान करते हैं। अगर इस साल संन्यास लेने वाले खिलाड़ियों की बात की जाए तो पहले नंबर पर नाम आता है ट्रेंट बोल्ट का, दूसरे नंबर पर नाम आता है डेविड वार्नर का, तीसरे पर नाम आता है रोहित शर्मा का, चौथे पर नाम आता है विराट कोहली का और पांचवे पर नाम आता है रविंद्र जडेजा का। रविंद्र जडेजा के संन्यास के बाद काफी बड़ी समस्या में इंडियन टीम अपने आप को पाएगी, क्योंकि रविंद्र जडेजा 7-8 नंबर पे आके काफी लंबे लंबे छक्के लगाते थे। बॉलिंग इनकी शानदार थी, फील्डिंग में ये 10 से 15 रन हर एक T20 मुकाबले में बचाते थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑलराउंडर खिलाड़ी जो कि तीनों डिपार्टमेंट में अव्वल नंबर का है, ऐसे खिलाड़ियों की T20 में खासा जरूरत होती है। लेकिन इनके संन्यास के बाद काफी बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। अगर अक्षर पटेल को छोड़ दिया जाए तो इनका जगह भरने के लिए इस समय भारतीय टीम में कोई और खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा है।